भाई भैया थोड़ी रोशनी और मिल जाती ना तो हृतिक रोशन बन जाती, धूम मचाती। हमको चोरी करनी है, कोनो सेक्स कांड और मर्डर में नहीं फंसना है। चिपेंडी तो मेरे कर लो भाई, पता नहीं घोड़े के तो घोड़े लग गए हैं, टांग भी टूटी आंख भी सरखी है। हाँ, करोड़ों में देते हैं चिपेंडी के लिए। क्यों देते हैं भी? अब अपने बाप का क्या जाता है, पैसे मिल रहे हैं। चलो छोड़ पकड़ो, चल लाइटर उठा और बिना आग लगाए चली यहाँ से। क्या हुआ? गर्म था यार, तो उल्टा पकड़ लिया होगा ना, कुछ लग गई ना आग। अब तू नहीं लगाई है, तू ही बुझा। अबे फिर लग गई। है का पेंटिंग है ही, और क्या टेंशन की कोई बात नहीं है। घोड़ा तो बच गया ना, देखो है? अब का कहे, कैसे कहे और क्यों कहे, घोड़े को बचा के आप जो एहसान किए हो अब क्षमा करो इसको और खुद का नाम बचाओ, इज्जत बचाओ, घोड़े को माफ करो और बाहर आओ, बाहर से बाहर चलते। भाई मैं घोड़े लग गए, सॉरी। गाड़ी से दूर नहीं कर दिया तो नाम नहीं। कौन छे? कौन छे? हैंड अप। अरे तुम्हारे हाथ ऊपर करो। ये उम्र में बंदूक ना उठाओ। अरे देखो पाँव फिसल गया, पाँव। ये पंडित, ये जात से नहीं बात से भी पंडित है। इसकी बात और गधे की लाज जिसे लग जाए ना, उसकी ऐसी लगती है ना कि क्या बताएं। और ये अकबर, मुंबई के मोहम्मद अली रोड का रहने वाला पंडित, बोलने में एक्सपर्ट तो ये ताला खोलने में। बड़ा हो, ये उम्र दबा के गोली चलाने की नहीं, दवा की गोली खाने की है। फ्री एडवाइस है। अरे तुम्हारी क्यों थे? कौन? भेज दो ऊपर। पंडित आया है। सोचो। तू सोच भाई। सोचो इस टाइम क्या बहाना देगा, सोचो। देखिए बहाने की बात नहीं है सेठ जी, गलती से गलती हो गई। गलती? नहीं नहीं नहीं, गलती आप उनसे हुआ कि तुम लोगों को काम दिया, हमेशा के माफक काम तमाम कर दिया। अरे एक बार भी गलती के बगैर काम किया है तुम लोगों ने? आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे कि आपकी खुद की तस्वीर जल गई हो। हाँ, वो हुसैन चिचा की पेंटिंग है, एक और ले आएंगे। हुसैन चिचा, वाह, तेरा चाचा लगता है। कौन बोला? अरे तुम बोला। अरे तेरे कलाकार रहेंगे तो थोड़ी इज्जत तो करनी पड़ेगी ना भाई। जिसने एडवांस दिया अभी उसको इज्जत नहीं, एमएफ हुसैन साहब का पेंटिंग चाहिए। अच्छा बुछोड़, इसे देख, ये मिस्टर जॉनसन है, पटाया की बहुत बड़ी पार्टी है। कब पटाया? किसको पटाया? पटाया बैंकॉक के नजदीक, फॉरेन में। ये बूढ़ा अकेला रहता है, सुना है इसकी तिजोरी में करोड़ों के जेवर पड़े हैं। ये जेवर तुम उठाकर ले आओ, वहां मेरा एक कॉन्टैक्ट है, वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम लोगों ने इस काम में गलती की
तो समझ लो टोटल खल्लास। लेकिन अगर ठीक से किया और ये जेवर वापस ले आए तो तुम्हें दोबारा जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो काम नहीं करेंगे क्या? अरे मतलब कि एक बार उधर का काम हो गया तो समझिए कि ये काम गया। हो गया हो गया। सर टेंशन क्यों लो, इतना पैसा तो कमा ही लेंगे। इन दोनों के साथ चांस मत लो। अबे हमको लोंडी आएंगी जो हम पे चांस लेंगी। बाजार में खड़ी है, चिच करके बुला रही है। सर जी आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम लोग बाद में आकर टॉक कर लेंगे। जाओ जाओ, ऐसे भी हम लोग मर्दों के मुंह नहीं लगते। चल सटक ले यहाँ से, कायदे का आदमी नहीं लगता। कायदे का क्या, तो आज कायदे का लगता है। बिल्डर जी, तेरे पास कोई है जो फॉरेन जा चुका हो? एक लड़का है। खाना खाया कि नहीं तू? हाँ चला चला जल्दी। चले चले तुम लोग काम करो रे, जल्दी चलो। ले भाई। क्या मैन इतना कम? तो ये मोटरसाइकिल है, साइकिल नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? या स्टैंड से निकालो। ओ विल्सन भाई, तुम भी बहुत इतना गरम दिमाग नहीं ना करने का अभी। चलो अभी बस हो गया, बस। इंजन नहीं खरीदेगा? देखो मेरी जान, अभी ये पूरा हो गया, बहुत सही है, रॉकेट की तरह निकल लो। गॉड ब्लेस यू। बेटे भाई आप 100 साल जिएगा मैन, अपन तेरे बारे में सोच रहा था। मालूम 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 मालूम। MH04TQ6197 चर्च में प्रे करने गया था। Who? You? इंस्पेक्टर डिसूजा। ये बाइक अपन अपन नहीं जानता था मैन। I'm so sorry मैन। ये विल्सन, ये दुनिया का नंबर वन फ्रॉड बन सकता था, लेकिन लड़की लोग का चक्कर में साला घुस गया। अब उनको बोल के क्या फायदा है? वैसे भी जब डिसूजा तेरे को अंदर डालेगा, तेरी अंदर की चड्डी को निकाल कर बाहर पहनाएगा और तू सॉरी मैन से सुपरमैन बन जाएगा। व्हाट डू यू वांट मैन? पटाया चलेगा। नकली पासपोर्ट चाहिए ना? हुँ? नहीं तू जाओ ना मैन, तू चलेगा। देख मैन, अपन ने ये सब काम छोड़ दिया। अच्छा, अपन एकदम अभी क्लीन हो गया। अच्छा अच्छा, अल्ट्रा सर्फ के माफिक। अच्छा मतलब पहले तू धुलेगा हाँ, फिर चलेगा। ये बिल्डर 1994 में मिस्टर महाराष्ट्र था, मेडल मिला, पैसा नहीं। अभी पैसों के लिए बाटली वाला के यहाँ डिटर्जेंट, बोले तो धुलाई का काम करता है। कल सुबह 10 बजे पाटली वाले का ऑफिस। बहुत ही भोले भाले चोर लगते हो, काम क्या करते हो? वही जो तुम लोग करते हैं मैन। अच्छा पोछा झाड़ू लगाते हो? क्या तुम लोग झाड़ू मारता है? और नहीं तो क्या, दूसरों के घरों में रात को जब सब सो जाते हैं, हम इनके घर जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर अपने घर पे आके सो जाते हैं। ये टॉम एंड जेरी की बातें सुनोगे तो दिन में भी नींद आ जाएगी। ये विल्सन और ये विल्सन फ्रॉम बैंड्रा। अबे बैंड्रा से तो सैंड्रा भी आएगी। तो हम तीनों जा रहे हैं पटैया। तीन नहीं 4 करोड़ों का खेल है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। तुम तीनों के साथ बिल्डर भी जाएगा। परफेक्ट। अपुन का बैग उठाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, कूली। कूली
पैसे लिए थे? 5 लाख। कब लौटाने थे? पिछले महीने। दोनों पैर तोड़ दो। अरे लेकिन मैं तो चुप। मैंने कहा था बिजनेस करने को, और वो भी बिजनेस कौन सा? मसाज पार्लर। जहां साला पूरा दिन बीआरपी के खुद मसाज करवाते रहते हो। बीआरपी ना मैंने आपसे बंद कर दिया है। चुप। जब ये प्रपोजल लेके आए थे तब क्या कहा था मैंने? फेरा क्या कहा था मैंने? आपने मना किया था। लेकिन मैं तो आपका सगा भाई हूँ। अरे जब सगा दगा दे सकता है तो दूसरे का खाक इज्जत करेंगे? बहुत खून बहाया है दूसरे का यहाँ तक पहुँचने के लिए। पैर छोड़ो, एक हाथ तोड़ दो। क्या? सर पूछ लेना कौन सा साल। बाया या दाया? मेरे यार बेड़ बेड़ के पिछवाड़ा सुन हो गया। वो जोर से लगी है यार, कहाँ चाहे यार। अरे ये जगह सही है यार। अरे रे रे कावा, व्हाट यू डूइंग मैन? ये भाड़गांव की गली है। हाँ फल्ली तो देसी है, हकना मुंता छोड़ देगा। सुनो शौचालय नहीं बनाया, कोई देख नहीं रहा है, कर ले काम। कंट्रोल मैन। अबे जैसे कबूतर भाई, मैं गुटर को करके आता हूँ एक मिनट। जैन भाई मिया, ये आपा भी देसी है? वंशी क्या हैगा? तो दिन थोड़ी देर बाद हो जाएगी रात, उससे पहले कुछ कर ले बात। कब आता पता चला? क्या? अबे आता पता चला। अबे अपने वाले मिल गए पहलवान, पता भी मिल जाएगा। माय गुड नेम अकबर, पंडित बिल्डर वेसन। योर गुड नेम प्लीज। मैं वारस वरेंद्र युवराज सिंह। हेलो। और मैं SMS शर्मीली सिक्वेरा। क्या कहे कैसे कहे, और हम तो कहते हैं कि क्यों कहे कि हम लोग एक पता ढूंढ रहे हैं। सही पते पर पहुँचे हो। चलो चल माल निकालो। व्हाट मैन, इंडिया क्या होके इंडियन को लूटता है? ए तेरे क्या दिया, कब का बुझा दिया। चल चल बोला ना, माल निकालो, सुना नहीं? पहलवान हमने पता बताने को बोला था, चाकू नहीं। अपन भी बटुआ दिखाने को बोला, होशियारी नहीं। अरे झंडू, होशियारी तो होशियार लोगों से की जाती है, तुम जैसे बेअकल से तो जरा सा होशियार रहना पड़ता, समझे कि नहीं? अरे तुम गलती से गलत आदमी को चाकू दिखा रहे हो। डाल के बताऊं क्या? डाल के बताया नहीं जाता, और बता के डाला नहीं जाता। अपने हाथ से चाकू और दिल से गंदगी निकाल के फेंक दो, वरना हमसे भी कुछ निकल जाएगा ना बेटा, तो बात हाथ से निकल जाएगी। समझ लो, हम तो समझा रहे, ये तो समझा ही देगा। ए चार मीनार की चौथी मीनार, चल माल निकाल। ओके ओके। अबे देख क्या रहा। ए ब्रिटानिया 50-50। देख लूंगा तेरे को। चला छोड़ूंगा नहीं। अब बजा हट। देख लूंगा। देख लेंगे। गन तो देख ही लिए हो, दो हैंड बम भी दिखा दे। वो मैन, ये गन तुम इंडिया से अपने बैग में डालकर लाए क्या? नहीं मैन, ये गन मैं इंडिया से तेरे बैग में डालकर लाया। हाँ कोली कोली। पापा पुन्नो बना दिया। Yes, how can I help you? जी, बाटली वाला ने हमें भेजा है। Oh, I was expecting you all. Tanya. Builder, और ये मस्त है। नमस्ते। Myself अकबर। Hello. Above all, Wilson. What a beautiful name. Thank you. Come on in. My hand. Oh, sorry. That's okay. I hope आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तकलीफ हमको क्या तकलीफ देगी, हम तो खुद तकलीफों को तकलीफ दे देते हैं। So Wilson. वैसे यहाँ वो कहाँ है? जी लगी है। Oh, I'm sorry. स्ट्रीट एंड लिफ्ट, बी कंफर्टेबल। धन्यवाद आपका। पहलवान चल रही है, बाबा का चिलम चल रहा है,
जय हो जर्सी चोरसिया। ओ मेरा दोस्त, पता नहीं कहाँ से आदत लग गई। अच्छा पेंटर है। हाय गाइस। हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाय द वे तानिया, तुम्हारा घर तुम्हारी तरह बहुत ब्यूटीफुल है। हाउ स्वीट, थैंक यू विल्सन। जस्ट बी कंफर्टेबल, लेट मी गेट यू समथिंग टू ड्रिंक। शुड आई हेल्प यू? थैंक यू। तू बैठ ना बेटा, तू बैठ, तू बैठ। मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। अबे सुन, अपने काम पे ध्यान दे। काम पे ही ध्यान दे रहा था मैं। तो काम पे नहीं, मैं ध्यान दे रहा था। क्या हुआ? कचरा तेरा। थैंक यू। आई गेस यू गाइस मस्ट बी टायर्ड, व्हाई डोंट यू ऑल रिलैक्स एंड आई शो यू द सिटी टुनाइट। और मुन्ना तुम यहाँ कैसे? खान साहब ने भेजा है। कार से भेजा या कुरियर से भेजा? आपसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते थे मैं यहाँ हूँ, और सिर्फ ये कहने के लिए तुम यहाँ आए हो। हाँ। इन द ईयर 1876 अ जेंटलमैन नेम्ड ग्राहम बेल मेड एन इन्वेंशन जिससे सारी दुनिया में तहलका मच गया। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि खान साहब ने तुम्हें बुलाया, ये बात तुम ग्राहम बेल की हुई इन्वेंशन में भी कह सकते थे। नहीं नहीं, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, मतलब टेलीफोन करके भी कह सकते थे, इतने दूर आने की क्या जरूरत थी। खान साहब चाहते थे मैं ये बात खुद आपसे पर्सनली मिलकर कहूं। ओ पर्सनल टच, आई एम वेरी टच्ड। अब पता चला तुम खुद यहाँ क्यों आए हो। तो ये भी पता होगा कि खान साहब मुझे लोगों के पास किस काम के लिए भेजते हैं। तुम मुझे बुलाने आए हो, बताने आए हो या डराने आए हो? मेरे पास वक्त नहीं है, नो टाइम। ठीक है, मैं ये बात खान साहब को बता देता हूँ। अरे मजाक कर रहा था, आ रहा, आ रहा, आ रहा। मेरी बात तो सुनो। क्या बात है खान साहब, कोई जरूरी काम था? अरे नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुमसे बात भी नहीं हुई थी, इसलिए सोचा तुम्हें बुला लूं। कैसे हो लाला? बस एकदम फिट खान साहब, एकदम फिट। कुछ लोगे? हाँ, नहीं नहीं। बैठो 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 बैठो। सुना है ऑफिस के आदमी आए थे? हाँ, वो मेरी एक पुरानी जगह खरीदना चाहते थे। इसका मतलब है कि हफीज की अच्छी खासी कमाई हो रही है। हाँ, बेकियाज मुनाफा। कौन सा मुनाफा? बेकियाज मतलब बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा बोल सकते हो तो बेकियाज बोलने का मतलब क्या है? वो बेकियाज से वजन आता है, वजन। हाँ साहब, ये पाकिजा की डीवीडी। क्या बात थी पुरानी हीरोइंस में, उनको देख के इश्क करने का मन करता था, लेकिन आजकल की हीरोइंस के साथ। बस समझ गया। चलो बैठ के पाकिजा देखते। नहीं नहीं, मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, चाहो जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, चाहो जाओ। हाँ लेकिन अपने ही घर जाना। अच्छा, ये तुम्हारे छोटे भाई के बारे में सुना? हाँ, वो जरा हाथ से बाहर निकलते जा रहा था। लेकिन कोई अपने छोटे भाई का हाथ तोड़ देता ही? कहाँ साहब, हम भाई लोग हैं, किसी एक के नहीं, सबके। और अपनों को ये छोड़ने लगे तो बाहर के क्या खाक इज्जत करेंगे? और बिना इज्जत के भाईगिरी, मतलब बिना मीना कुमारी के पाकिजा। हाँ? बिना मीना कुमारी के पाकिजा, ये क्या बोल गया? गाइस, ये जॉनसन के घर का ब्लूप्रिंट है। ये उसकी बैक एंट्रेंस है और ये उसकी फ्रंट एंट्रेंस। यहाँ पर उसका पार्किंग लॉट है, एक गेट यहाँ से है और एक यहाँ से। आपकी आवाज संगीत की आवाज में दब रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रही है आप? मुझे तो म्यूजिक सुनाई दे रहा है। अबे इसकी भैंस की दिल्ली मारू, घर है के दर्द डिस्को। ऊपर के फ्लोर से आवाज आ रही मैन। तो पहलवान एक काम करना, अपनी आवाज को ऊपर के फ्लोर पे ले जा और इसकी आवाज को नीचे के फ्लोर पे ले आ। माय नेबर ही इज अ मैडमैन। साला अपुन इधर नहीं आता तो तुम लोगों का क्या होता? जाके देखता है। विल्सन प्लीज लिसन,
Don't worry, babes. I'll be right back. Oops. What? Music. What? Little no? No! Please? No! Get lost! Don't worry, babe. Did I pick? हो गया पिक? चलो बच के तो आया बेटा भैया आप बैठे amazing what did you say nothing kuch nahi mukka maar chuke hain muh kahe khule chodo anyways let's get back to work front door pe security alarm hai aur ye back entrance hai ye wall pe koi security nahi hai koi guards bhi nahi honge so it should be very easy ha very easy ha ye blueprint tum rakh lo loot ke kaam aayega ye blue film mega rakhunga bhai wo ये बैग आपका है इसमें रख दूं नहीं ये बैग तो मेरा नहीं है बाटली वाला के भाई का है छोड़ गया था तुम रख लो शायद काम आ जाए बाटली वाला के भाई का आएगा तो रखना वाजिब है भाई मुफ्त का माल हमको हजम हुए एक्चुअली हाँ। आपको लूट के लिए आज रात एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी पंडित जी Hands up. उसका हाथ ऑलरेडी ऊपर है वहाँ देखिए देखे किस बिचारे की थी भाई जी आप पिछवाड़ा तो सही लग रही है आगे भी देख ले मनी और पैसा मनी बोल भाई कैसी है गाड़ी जैसी है No more money. Give me more money. हाँ more money और पैसा दे. I swear. अरे भाईजान इसमें तो कोई पैसा ही नहीं है. Okay. I don't think he's got more money. Come on, let's just get out of here. Okay, भाईजान. Where the f is the car? भाई मियाँ यार ये गाड़ी है या घोड़ा यार भाई मियाँ इस गाड़ी में ना बहुत सारे घोड़े हैंगे 350 हॉर्स पावर 300 जितने 35 इस गाड़ी में हैंगे ना इतने 35 तो रजनीकांत के पास भी ना हुए हाँ। अरे लेकिन हम फिल्म नहीं बना रहे हम चोरी करने जा रहे हैं नहीं देखने वाले भी आपकी गाड़ी देखते रह जाएंगे पकड़े जाएंगे लूटने जा रहे हम लूटने नहीं पंडित भाई मिया पंडित जी दरो दीवार पर सब जुगाया है गालिब हम बयाबां में है और घर में बाहर आई है अरे क्या सामने वाले घर में कार आई अब इसकी भैंस की टिल्ली मारू या तो गारड हैंगे लेकिन तानिया ने तो गारड को मार लिए क्या बोला अरे गारड को मार लिए सब साथ होंगे ना तो मिल के मार देंगे चलो तो वही तो बोल रहा हूँ
लोड स्पीकर लगवा दूं? नहीं, माइक दे दो। अरे भैया, दरवाजा खोला जाता है, थोड़ा नहीं। बोलो मत करो मैन। जब सुई से काम चलता है तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। हट जा, चल। खुन्नो पकड़ने की तमीज नहीं, अब बाप का तलवार दे रहा हूँ। ले भाई, खुल गया सिम से। घुसो। चलता हाथ पाओ नहीं वरना पिछवाड़े में गोली मार देंगे। अबे ये तो स्कर्ट पैंट की घोड़ी है, सारे रोशन दान को ऐसा वाली हो। फाइल तेरे, फाइल। ए, ए, देखो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। चोरी के जान पहचान करके की जाती है क्या? रिश्ता करने के लिए आए हम लोग तो से? मैं कौन हूँ? लाला नाम है मेरा। नाम पूछा क्या तेरे से? लाला या जाजा होता तो क्या फर्क पड़ता। लाला अकबर, तो सेठ तो कुछ जान जान बोला था ना? हाँ, लाला जॉनसन। क्या यार पंडित, एक मिनट। जीसस क्राइस्ट, ये तो पाकिस्तान का भागला डॉन तौफीक उमर भट्टी है। डॉन? अभी जिसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है कि वीएसआर डॉन। धान, क्षमा कर दो देवता। पंडित जी, क्या करे आप? अबे क्या कर दिया गड़बड़ तुम लोग? रिलैक्स। डॉन बे, अकबर हो? अरे फोन लगा बाटले वालों का, चेक करो यार, कल गलत जगह उंगली कर रहे साले। एक फोन कर सकता हूँ? पूछ कर बांधा था। देखिए, हम लोग यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे, फोन करने के लिए नहीं, इसलिए बांधा बगैर पूछे। चोरी भी बगैर पूछ के ही करेंगे। हाँ, लेकिन फोन तो पूछ के ही करेंगे ना। तो कर ले फोन, कर ले। डन मोबाइल सुनी ना भाई, चुप होकर चल। हेलो। हेलो सेठ, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? पटैया में जॉनसन के घर से अकबर बोल रहा हूँ, मगर जॉनसन कह रहा है वो लाला आएगा और विल्सन कह रहा है वो डॉन आएगा। कौन डॉन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ, कौन मेरा डॉन भाई भैया? मगर ये तो वो कह रही है, तुम क्या कह रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम बोल कहाँ से रहे हो? फोन से बोल रहा हूँ। अरे किसके फोन से? पेना सोनी के फोन से भाई भैया। अरे पागल, मोबाइल या लैंडलाइन से? लैंड लाइन से बोल रहा हूँ भाई मिया, इतना गुदा तो अपने भेजे में भी हैगा। अपना खर्चा नहीं हो रहा है तो फिक्र नाट करो। हाँ। अरे पागल, मरवाएगा, लैंडलाइन के बिल पे मेरा नंबर आएगा। बिल्डर किधर है? वो हाँ सेठ। बिल्डर, तिजोरी में जितना भी माल पड़ा लेकर निकलो, और नेक्स्ट टाइम अकबर और लैंडलाइन दोनों से फोन नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है सर। से बोलता है तिजोरी साफ करके निकलो। अकबर, तिजोरी खोल, चल जल्दी फटाफट। इतने से पैसे? डाल डाल डाल। ले भाई। ऑडियो कैसे? सेठ ने बोला जो भी मिलता है डाल दो। पायरेसी करता होगा। चल ना जल्दी। भाई तुम भी ना। तिजोरी साफ, कहा सुना माफ। पटाया में चार हिंदुस्तानियों को ढूंढना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक बार सोच लेता। देखो, सोचने वाली चीज तो ये है कि ना तुम हमारी जगह हो और ना हम तुम्हारी जगह। तुम अपनी जगह हो, हम अपनी जगह, और अगर बाय चांस हम तुम्हारी जगह होते तो हाथ में आते ही नहीं, भाग जाते। ए, यहां से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से जाओ। क्यों मैन? सामने वाले बिल्डिंग में इंडिया का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे ऊपर नजर रखे हुए। यहां से बाहर जाओगे पकड़े जाओगे। सही बोल रहा है ये? बोल रहा है? एक मिनट, ये अचानक हम लोगों पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि तुम लोगों को खुद ढूंढ के मारने में ज्यादा मजा आएगा। धमकी देने वालों की मैं सांस बंद करता हूं। तेरा नसीब अच्छा है, सिर्फ मुंह बंद कर रहा हूं।
वाओ दैट वाज फास्ट, मुझे नहीं लगा था तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। क्यों? तुम्हारा प्लान कुछ और था? मतलब? मतलब जाना था जापान, पहुंचा दिया चीन, समझ गई ना? चीन? देखो खाला, कॉन्टेक्ट और बाटली वाला, हमको जाना था जोनसन के यहाँ पे। तुमने जो एड्रेस दिया वहाँ तो जोनसन का पोर्डर तक नहीं था, वहाँ तो बैठा था कोई अंडरवर्ल्ड का मशहूर डॉन लाला भट्टी। हैं? गलत पता देके हमें भट्टी में डलवा रही थी तू? गलत पता? 9945 पटाया बीच रोड। 9945 पटाया बीच स्ट्रीट। सिली मिस्टेक, हम लोग रोडो स्ट्रीट के इसमें गलती से गलत घर में घुस गए। आई एम सो सॉरी। अभी जहाँ घुस रहे वो सेफ है? क्या सॉरी पहलवान, ये स्ट्रीट और रोड में क्या फर्क हुआ? एक तो है वही जो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में, गलत एड्रेस में घुसे हम। ओ हेलो। बूबू बेबी ओ ओ Sleep now. Ah. Duffy, wrong number. Lala? Boss? बॉस आप है क्या? बॉस आप है? मैं आ रहा हूँ बॉस, मैं आ गया बॉस। होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। सर इससे अच्छा तो इंडिया की पोस्टिंग थी, एक साल से इसी कमरे में बंद है, वहां कितना खुला खुला था। हाँ वो तो है मिश्रा जी, वहां सब कुछ खुला है, मॉल भी खुला है, गटर भी खुला है, खुले में लोग पेशाब भी करते हैं। कुछ भी कहिए सर, हमारे देश की बात ही कुछ और है। हाँ वो तो है, 50 साल पहले हिंदुस्तान को गांधी जी ने दिलाई आजादी, और 50 साल बाद हमने हिंदुस्तान को क्या दिया? 100 करोड़ आबादी, हम दो और हमारे 5, यही नारा है हिंदुस्तान का। सर रजा की गाड़ी आई है। या खुदा, ये बॉस बॉस ये क्या हो गया? कुछ तो बोलो सर, बॉस बोलो ना कुछ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बॉस बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ, कुछ नहीं हो सकता आपको। तो है ना? हाँ उठाओ। है ना? हाँ सर। तो उठा ना गधे। उठे तो ओके ओके सर। बिस्मिल्लाह। सर सर आपका वजन बढ़ गया सर। सर आप ठीक कौन हो सर? मैं ठीक लग रहा हूँ। नहीं सर, तो इसका मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। आई एग्री। अभी खोलिए। नो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, बहुत कस के बांधा है। वो चारों हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी? हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी? शायद। अबे गधे, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के होंगे ना? क्या क्या लेंगे सर? सब कुछ। सब कुछ? हाँ हाँ। लेकिन उसके बावजूद आप बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो बॉस। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर तूने लाके मेरे सामने खड़ा करेगा। ले आऊंगा। वेरी सिंपल सर, गया पकड़ा लाया खड़ा किया। सपाटे यहाँ घड़े घड़े लाके खड़ा कर दोगे तुम? नो सर, नो सर, सर उसके लिए डोंट वरी सर, आपका ड्रिंक खत्म होने से पहले। और रजक जी सर, वो क्या बेबी?
Don't worry. I'll bring them. Bak, I'll bring them. भाईजान कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या लगता है तुझे कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? भाईजान वो जो अपना गाड़ी चोरी हो गया ना, उसको रिपोर्टर लिखवाना पड़ेगा ना पुलिस स्टेशन में। आसिफ नाम है मेरा। भाईजान पुलिस को वही बोलेंगे। आसिफ पुलिस के पास नहीं जाता, पुलिस आसिफ के पास आती है, समझा? हाय। व्हाट आर यू अप टू हैंडसम? म्यूजिक सुनने वाला था। म्यूजिक? व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक? दर्द भरे गीत, सैड सॉन्ग्स। दर्द भरे गीत? Someone broke your heart? Angelina. Jolie? No, no. Baju wali Kholi. Wo mere ghar ke side mein rehti thi. Main kuch madad kar sakti hoon? Can I help? Agar tum kuch karo, to main bahut kuch kar sakta hoon. Ye dekho. Mera heart tumhare liye kaise beat kar raha hai. Oh, Wilson. Tumhara heart? गलत जगह पीट कर रहा है। ओह, सॉरी, फर्स्ट टाइम फेल हो गया। फेल नहीं, पास। क्या? पास। पास? और पास। और पास। और पास। तानिया गई वो। क्या गई वो? ओह शिट गाइस, उठो गाइस, गाइस उठो प्लीज, वो गई। तानिया लूट का माल लेके भाग गई। उठो प्लीज प्लीज, वो गई, सब लूट का माल गया। सोई तो इनके साथ रही, इतना भारी टांग है रख कर सोता मैं। क्या बिल्डर भाई, तुम भी किस नमूने को ले आए यार? मैं तो इसे सिर्फ पटाया ले आया, मुझे तो इसके बाप का पता चाहिए जो इस नमूने को इस दुनिया में ले आया। Amen. फादर की बात नहीं करने का। ओके तो किसको बात करें? उस सुचंद्री की बात करें? सॉरी मैन, लड़की अपुन की कमजोरी है। ओके अच्छा, मैं तो समझ रहा था दिमाग तेरी कमजोरी है। वो खुद चल के अपुन के पास है मैन। और तू बन गया बैटमैन, यानी कि बिना फील्डिंग के बैटिंग करने को मिल गई रात भर है। मतलब जब हम थक के सो रहे थे, ये सो सो के थक रहे थे, ठीक? शक हुआ कि नहीं लड़की पे? तुमको शक हुआ कि नहीं? नो मैन, उसने कहा उसकी माँ अंधी है। तो उसे अपनी आंखें दे देता बेटा। और क्या बोली? उसने कहा कि उसके बाप का कोई पता नहीं। अरे भैया यार, एक बात बताओ, जिस लड़की की माँ ही अंधी हो, उसके बाप का पता कैसे चलेगा बे? कभी तो अपने दिमाग बाहर निकाल कर सोचा करो। मालूम है तुम्हारी पैंट उतार के, तुम्हारी चड्डी निकाल के, तुम्हारी खोपड़ी भी पहना कर चलेगी लड़की। वो कहावत हैगी ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तू तो खजुराओं में जाके अटक गया भैया। हिला के गन्ना बना गई लपूझन्ना। Amen. सॉरी बोला ना, अभी तुम लोग क्या पूरा दिन बैठ के मैं इधर खिंचाई करेगा, या फिर उसको ढूंढने का कोई आइडिया सोचेगा? हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा ना, हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा। आप तो कल रात को चक के थक गए होंगे ना बेटा। एक मिनट मैम, याद आया, अपुन ने कल रात को एक कैसेट रिकॉर्डर में डाला था। रिकॉर्डर में ही डाला था ना? नहीं नहीं, सोचो सोचो, कहीं और तो नहीं डाल दिया? कैसेट रिकॉर्डर में डाला था। तो फिर जा चेक कर, चेक कर जा रिकॉर्डर में। हेलो मुश्ताक। हाँ भाई जान, क्या हाल है?
खैरियत है भाई जान? तो क्या सोचा है खास साहब के लिए? जैसा बोलो। गुड्डे का एक पांव तो पहले ही कवर में लटका हुआ है, तुम साथ दो तो पूरी बॉडी कवर में डाल देते। भाई अगर कुछ प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो साला बुड्ढा है, एक बार उसे रास्ते से हटा दिया तो प्रॉब्लम अपने आप ही हट जाएगी। लेकिन भाई अबे डरता क्यों है, मेरी स्वान ली और लियाकत से बात हो गई, वो हमारे साथ, एक बार खासाब रास्ते लग गया तो थाईलैंड का सारा धंधा हमारा। बता तो हमारे साथ है या खान साहब के साथ? भाई मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। ये तो सारा लाला आएगा, किसी खान साहब को मरवाने की बात करिए, ये तो कोई नए झमेले में फंसे जा रहे भाइयों। आई थिंक पहले तानिया को ढूंढना पड़ेगा। पर कैसे मैन? हर बात पर कैसे, कल तो एक बार भी नहीं पूछा ना किसी से कैसे। छोड़ो, वीरेंद्र और शर्मिली को ढूंढते, उनसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ है वो। I think that's a better idea. चलो देखते हैं। आइए खोजे हम। लाइफ की मच मच दुनिया की खिट-खिट, भेजे पेलोड, बोलो किसको मांगता है। सीधे सीधे सब चलना चाहते हैं, आड़ा तिरछा रोड, बोलो किसको मांगता है। जब कोई लकी नहीं होता है बंदा, तब फिर खोपड़ी में बसता है घंटा। ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, जास्ती जिसे दिया है उसको जाके लूट। चुट, 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 चुट। बस सही जा रहा है पहलवान, बिना गला काटे हलाल कर दिया, कमाल कर दिया। किया तो किया, इधर आने का तकलीफ काय को किया? बात यह है कि भाईजान। किसका भाई किसकी जान, शक्ल से लगता है पान की दुकान। आके थूक दूंगा, पी के फूंक दूंगा। अबे सराफत अली की जबान नहीं समझ गया? क्या कहे, कैसे कहे, और हम तो कहते हैं कि क्यों कहे। देखिए भाई साहब। किसका भाई किसका साहब, चल दिमाग मत कर खराब। हाय अबे ओए, हटेले दिमाग के छटेले पैदाइश, फटेले दूध के सड़ेले चाय। तू सिकंदर में बंदर साले कोपचे में ले जाकर ऐसा खर्चा पानी देंगे ना, तो धंधे की वाट लग जाएगी, तेरी बाड़ी के नीचे खाट लग जाएगी। चार आदमी कंधा देंगे, 40 बोलेंगे राम नाम सत्य, हम कहेंगे बड़ा मस्त है, और ये तो सिर्फ फूल है, ज्यादा गड़बड़ करेगा ना, समझ ले तू ऐसा भूल है। पंडित जी वो अयत तो समझा रहे हैं हम इसको कि तुमने चाकू दिखाया, इन्होंने दिखाई गन, मामला टाइटाई फिपिस और डन। ये डायलॉग अच्छा था तो फिर ये देख। अरे नोट है, पहले गन दिखा रहा था अभी नोट। चाहिए क्या? तानिया इसका एड्रेस मांगता है मैं। तानिया इंडियन गर्ल फाइंडर। क्यों किया तुमने ये? हाँ तेरे को क्या लगा अपुन लोगों को फूल करके भाग जाएगी और अपुन तेरे को ढूंढेगा भी नहीं? इसमें से तो काफी पैसे गुलेंगे भाई मिया। मिल जाएंगे। पैसे कहाँ है तानिया? मुझे नहीं पता। खिड़की खुली है, हवा आ रही है, अगर ढंग का जवाब नहीं मिला तो ये बाहर जा रही है। I said no, I don't know. You don't know? So then what do you know, Tanya? Why don't you stick around and find out? कहाँ? Hi, baby. Baby नहीं, बाबा। चल। सुरक्षा अंतर रख में। Intelligence officer? इंटेलिजेंस ऑफिसर काफी इंटेलिजेंट लड़की है, पटाया में आके इंटेलिजेंट ऑफिसर का पटाया, काफी इंटेलिजेंट। योर गन ऑफिसर। सुनो सुनो सुनो, चक्कर समझ में आया मुझको, ये हम लोग को चक्रों में फंसाया जा रहा है। हम लोग जिस पते पे गए रहे वहां पर हम लोग को भिजवाया गया रहा,
और इंटेलिजेंट ऑफिसर अंदर आकर हमको इसलिए नहीं पकड़ रहे थे क्योंकि बाहर पकड़ के हम लोग को अंदर कर सके। अब उनको पकड़ के इनको क्या फायदा है मैन? बोलो ए मामा शकुनी, बोलो। मतलब तुम नहीं बोलोगे? वचन। बेटा कुछ याद आया कि सब कुछ भूल गए? बताता हूं हम पिछले एक साल से लाला के घर पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उसके घर की तलाशी लेने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। कुछ ही दिन पहले मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे खबर दी कि थाईलैंड के बाकी के डॉन के साथ मिलके लाला खान साहब को मरवाने की प्लानिंग कर रहा है। अबे खान तो वो थे, कौन सा खान की बात कर रही है तू? थाईलैंड का सबसे सीनियर डॉन खान साहब। लाला ने खान साहब को मरवाने के लिए थाईलैंड के जिस डॉन से बात की, उन सभी कॉन्वर्जेशन को उसने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि बाद में अगर कोई डॉन लाला का साथ ना देना चाहे तो लाला उनकी रिकॉर्ड की हुई आवाज से उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। अब समझ में आया, मतलब कि लाला के सेफ में जो हम लोग को कैसेट मिला उसको अपने पास लेकर तुम उसे लाला के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते रहे, यही है ना? मगर इनके यूज में हमें क्यों मिसयूज कर लिया? मुझे लाला के वो टेप चाहिए थे जो उसके सेफ में थे, तभी मुंबई से बाटली वाला का फोन आया। लेकिन शेठ तेरे को काय को फोन करेगा बे? आप उन्हें ना, एक्चुअली बाटली वाला का छोटा भाई बैंकॉक के किसी जेल में है। बाटली वाला का भाई यहाँ पर एक पेंटिंग की डील करने आया था, इंडिया के म्यूजियम से चोरी की गई करोड़ों रुपए की महात्मा बुद्ध की पेंटिंग। बाटली वाला के पास ऐसे पेंटर्स हैं जो ओरिजिनल पेंटिंग की हूबहू डुप्लीकेट पेंटिंग बनाते हैं। म्यूजियम में लगी ओरिजिनल पेंटिंग की जब डुप्लीकेट पेंटिंग बनती है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उस पेंटिंग को वहां से बदल दिया जाता है, और म्यूजियम से चुराई गई ओरिजिनल पेंटिंग यूरोप और अमेरिका के प्राइवेट कलेक्टर्स को करोड़ों में बेची जाती है। बको 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 और बको। बाटली वालों को उसका छोटा भाई चाहिए था, और मुझे लाला के घर में घुस के चोरी करने वाले कुछ बेवकूफ चोर। यानी कि हम लोगों को चोरी के लिए यहाँ भेजना एक बहाना था, बाटली वाला को अपने भाई को जेल से छुड़ाना था, और एक्सचेंज ऑफर में हम लोगों को फंसाना था। अरे आप उन लोग कोई पुराना टीवी या फ्रिज है क्या जो बाटली वाला ने यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए भेज दिया? तूने कर ली डील और हम पे लगा दी सील। बकवास छोड़ो, मान लो, चलो यहाँ से चलो। अगर इस कमरे से टेप लेकर आप लोग बाहर गए तो याद रखना शहर से बाहर नहीं जा पाओगे। सूचना के लिए आभारी है, मगर हम चारों आपके शहर पर भारी है। जे साला सब गड़बड़ हो गया। मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम तो अपने डिपार्टमेंट की मदद से उन लोगों को आसानी से ढूंढ लोगे। तानिया इसमें डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकता मैं। अगर डिपार्टमेंट को सब कुछ पता चल गया तो वो टेप्स एविडेंस बन जाएंगे। अंडरस्टैंड फॉर गॉड सेक। पर वीपी टेप्स तो एविडेंस ही है, तभी तो हमें बाटली वाला ने। भाड़ में गया बाटली वाला, और भाड़ में गया उसका भाई और सबके सब। वो नॉर्मल टेप्स नहीं है, वो टेप्स मेरे लिए खान है खान। लाला जानती उस टेप्स के बदले मुझे करोड़ों रुपए देगा, एंड वी कैन मेक मिलियंस। यू आर राइट। तान्या एक और प्रॉब्लम हो गई। अब क्या प्रॉब्लम है? हमारे इस प्लान के बारे में बहुत सारे लोग जान गए ना। पीपी, तब तो इस बात को इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। यू सो राइट, यू सो राइट। तानी यू सो राइट। कभी कभी तुम इतना अद्भुत सा कोई एडवाइस देती हो ना जान, कि तुम सच कहें मेरी जान ले।
मुकर जाने का कातिल ने अच्छा बहाना ढूंढ निकाला है। हर एक से पूछता है इसको किसने मार डाला है। सलाम अलैकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। क्या बात है लाला, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। सब खैरियत तो है ना? वो मेरी अम्मी की आवाज चली गई खान साहब। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुन के। अम्मी तो ठीक है ना? नहीं नहीं, उनका इंतकाल हुए जमाना हो गया। मैं समझा नहीं। कल रात को चार हिंदुस्तानी मेरे बंगले में घुस गए और धोखे से मुझे बांध दिया। फिर लॉकर में पड़ी सारी ऑडियो कैसेट ले गए जिसमें मेरी मरहूम अम्मी की आवाज थी। पैसे की कोई चिंता नहीं खास साहब, बस मेरी अम्मी की आवाज। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो लाला, अगर वो हिंदुस्तानी अब भी शहर में हैं, तो तुम्हारी अम्मी की आवाज वापस आ जाएगी। क्यों मुन्ना? हाँ खास साहब, वो मैं अभी सबको खबर कर देता हूँ। क्या जमाना आ गया है भाई, लोगों के घरों में भी ढाका। मेरे अम्मी की आखिरी निशानी थी खान साहब। तुम अभी तक गए नहीं मुन्ना? डीवीडी ले आया, वो कौन थी? अरे वो छोड़ो, पहले पता लगा वो कौन थे। विल्सन, विल्सन जल्दी कर यार। देख भाई बाबा चरसी चोरसिया, अपनी जिंदगी को क्यों धुएं में उड़ा रही है तू? हैं, ये धुआं किसी का ना हुआ। जिंदगी का ये बासी ओझड़ियों का सालन कब तक बनाता रहेगा तू? हैं, तुझमें पिटेंशियल बहुत हैगा। तू मुंबई आ जा, हमारी नगरी। पहलवान देखना, टिक्का बोटी खीरी कलेजी गोश रान फेफ से खिला के तेरी जान ऐसी टना टन बना दूंगा ना। अरे फेम से बार में जाइयो, बैंक को गाना भूल जाएगा तू पहलवान। हाँ, जे मेरा नंबर पता है, रख ले तू, और मुंबई आके फोन जरूर करियो। क्या ढूंढ रहा है मेरे बाप? दो मिनट। अभी इतनी देर तो लड़कियां ना लगा में तैयार होने में। उनका अंडरवेयर नहीं मिल रहा है मैन। वहाँ क्या पड़ा हुआ है? सर्कस का तंबू पड़ा हुआ है क्या कुर्सी पे? अरे थैंक्स मैन। थोड़ा देखिए तो सही, पूरा शहर का अंडरवर्ल्ड पीछे पड़ा हुआ है। अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, मगर ये शख्स अंडरवेयर ढूंढ रहा है। अरे कुछ तो अंडरस्टैंड किया करो। अंडरस्टूड, यानी कि अपन अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं मैन? जी नहीं, जब तक हम लोग की यहाँ से भागने की व्यवस्था नहीं हो जाती, हम लोग कहीं रहने की व्यवस्था करते हैं। आप लोग जाइए, कहीं से बंदूक खरीदने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जिस व्यवस्था के अंदर हम लोग अटक रहे हैं ना, उस व्यवस्था से बचने के लिए कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऊपर वाला ही बचा इसी अवस्था से। चमनवा के चमनवा। अरे ये कौन सी भाषा में बोला अभी? I'm having my drink. Cheers. There she is. Hey, man. Hey, what's up? Hey, what's up? अभी किसका पता चाहिए? गन्स चाहिए मैन, मिलेगा? आसिफ और इरफान मिलेगा, तब क्या करेगा? कौन है ये? पटाया के दो सरफिरे गुंडे जिनकी गाड़ी तुम लोगों ने चुरा ली है। और सुनने में आके लाला के आदमी चार हिंदुस्तानी को ढूंढ रहे हैं। क्यों? लाला की आरती को कांधा देना है क्या? वेरी फनी। पता ना लाला वो आदमी है जिसने कि अपने ही भाई का हाथ। तेरी कहानी सुनने का टाइम नहीं है, गन है क्या तेरे पास? ए, गन है, बन नहीं। कि पैसा दिया और बेकरी से ले लिया, इंतजाम करना पड़ता है। कल फोन करना। चल निकल ले। हे मैन, अगर तुम चाहता तो आसिफ इरफान और लाला के लोगों को हमारे बारे में बता सकता था। पता है क्यों नहीं? हम चोरी करते हैं। चुगली नहीं। Keep me posted about the Indian girl's murder case. All right. Thank you so much. जी बाटली वाला, बोलिए। अरे वो टिप्स मिल गए? जी नहीं, अभी तक नहीं मिले। नहीं? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे चारों चीटियों के पर निकल आए हैं। मतलब? मतलब आप जितना उन्हें बेवकूफ समझते हैं ना मिस्टर बाटली वाला, उतने वो हैं नहीं। मिस्टर सिंह प्लीज डू समथिंग। एक तो मेरा भाई वहां फंसा है और तुम इतना रिलैक्स बात कर रहे हो। नाउ डोंट पैनिक, मैंने इंतजाम कर दिया है, वो टेप्स और वो चारों बहुत जल्द मिल जाएंगे। कौन हो तुम? क्या चाहिए? तेरे चार इंडियन दोस्त कहां हैं? तेरे चार इंडियन दोस्त कहां हैं? Tell me otherwise I'll shoot you. Tell me bastard where are they? मुझे नहीं मालूम। मुझे What? मालूम नहीं। हाँ? मुझे मुझे कार्ड देके गए वो लोग। Lord,
अकबर कुरैशी, फोन 02223301047, मोहम्मद अली रोड। हाँ हाँ अम्मा, हलाल का ही खा रहा हूँ। नहीं अम्मा, खुद नहीं बनावे, होटल है बहुत बड़ा, डे एंड नाइट होटल। हाँ चीजा फोन करते हैं, बोलते हैं 1000 नंबर कमरे में खाना भेजो, फट से भेज दे। 1000 कमरे नहीं है अम्मा, कमरा नंबर 1000 है। बड़े बड़े होटलों में ऐसा ही हुए। तू अपना ख्याल रखियो, माजून खा रही ना हकीम साहब का, और बकरियों में ख्याल रखियो। चल अल्लाह हाफिज। शोएब अख्तर को बैन कर दिया 5 साल के लिए। बिहार में लालू जी का कार आओ सुना ना। ये तो विल्सन का फोटो दिखा रहे टीवी पर। कहाँ, किधर किधर? पुलिस इज लुकिंग फॉर विल्सन इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ तानिया शर्मा। अरे ये तो हैंडसम लग रहा है। तानिया की मर्डर की बात कर रहे हैं। मर्डर, हैविंग एन अलाइज नेम, मर्डर पंडित अपर एंड फील्डर्स रेस्पेक्टिवली। हमको चोट है मर्डर से। Wilson and his gang are also wanted by police for questioning regarding the robbery last night at the home of an alleged mafia member, Lala Party. Police have confirmed that Wilson was seen entering the woman's room by the hotel receptionist. So far, the Pattaya police have made no real breakthrough in finding the four fugitives. This is not good, man. साला अपुन को इधर आना भी नहीं था, ये बिल्डर जबरदस्ती लाया, ये सब तुम्हारा गलती है मैन। ए, उंगली हटा तो। तुम्हारे वजह से अपुन फंस गया इधर। हम भी तो फंसे इधर। टीवी पर तो अपुन के फोटो है ना मैन। लड़की का शौक भी तो तेरे को है ना मैन। ए तू बात कर, अभी समझ ले ना। देखो परिस्थिति खराब हो चलता रहता है, ऊपर वाले से यही मनाते हैं कि कभी दिमाग खराब ना हो। समझाइए ठरकी को। का समझाए, हम तो खुद ताक में रहते हैं। माई कहती रही पंडित हो पंडिताई करो, शादियां करवाओ, जो करेंगे वो फंसेंगे, तुमको क्या है। हम एक खुली थी गैंग बनाने की, देखो क्या करता है ऊपर वाला, दुआ तो कर रहे हैं, और क्या कर सकता है ह्यूमन बींग। How's it going? Hey, what's up, man? How's it going? Cool, man. Any news about my stolen car? Haven't found out anything. Why don't you go and meet Salim? हाँ, कुछ पता चला? नहीं। अरे तो इडियट, उसका पता करो जल्दी फटाफट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी जी, मैं सुलेमान, अकबर का दोस्त जी। दरअसल आपको मुझे जमजम का पानी भेजना था। हाँ मैं जानता हूँ, मैं पटाये में, नहीं नहीं हम साथ नहीं गए थे, पटाये में ही रहता हूँ, पटाये में रहता हूँ मैं। पानी आपको भेजना था जमजम। कौन सी होटल में हो? A while ago, huh? Do you know where I can find him? टैक्सी वाले ने? हाँ हाँ, चार हिंदुस्तानी। जी मैं हज नहीं गया था, मेरी मेरी अम्मी गई थी हज करने। हाँ हाँ हाँ, अम्मी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी। नहीं अकबर अम्मी से नहीं मिला, मिलवा दूंगा अकबर को जी। जी मिलवा दूंगा अकबर को। कौन सी होटल में जरा? Yeah, he's working at this day and night hotel. Day and night hotel. Day and night hotel. Day and night hotel. सलाम भाई, बहुत बुरा हो भाईजान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी कार चोरी करने का जिगर किस में होगा। टीवी में इसका फोटो आया, मतलब पुलिस भी आएगी। ऑब्वियसली पुलिस ही तो आएगा ना मैन। तो कहाँ उखाड़ लेगी, ये सोचो कि होटल का भाड़ा कौन भरेगा बे, भाड़ा। जैसे कोई खबर मिलती मैं आपको फोन कर दूंगा। सलाम। अबे इसकी भैंस की दिल्ली मारू, जे कहां से आ गया पहलवान? जलाल तू आए वाले को टाल तू, अबे वो टाल तू। जी लाला, सलाम अलैकुम। उन चार हिंदुस्तानियों का पता चल चुका है। अरे मैं जा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह लेके आऊंगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी पहलवान। No, no, I get back. I want to call. Cut, cut, cut.
अरे घंटी बज रही है पहलवान, छुरियां तेज हो रही है। फोन बज रहा है मैन। बताता काय को है मैन, उठाता काय को नहीं। अबे फोन उठा लो भाई भैया, इससे पहले कि हम उठ जाए। तुम ज्यादा नजदीक है मैन। दिखता नहीं, गन साफ कर रहा हूँ मैं। हमेशा साफ करते रहता है, कभी चलाता भी है क्या मैन? समझ गया मैं, पहले आप गाड़ी निकल जाएगी। क्या कर रहा है मैन, गलती से चल गया तू? सॉरी बोल दूंगा मैन। अब मुफ्त में बकवास कर रहे हैं, बाकी है कौन आया? हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी अपनी फोटो खींचने को पहलवान, वीपी सिंह और लाला के आदमी ऊपर आ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 1 2 3 होले जल्दी। अरे अरे ऑर्केस्ट्रा आ रहा है यहाँ बजाने के लिए, चलो उठा अपना सैक्सोफोन। अरे ढोलक कहाँ है? अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कोई बताएगा दरवाजा कहाँ है? पंडित जी बहुत चलो चलो। प्रणाम करते हैं बंदूक की माँ। अरे रजाक, अब तू बॉस को कौन सा मुंह दिखाएगा? सलाम। क्या हुआ? वो चारों निकल गए। ये बताने आए हो यहाँ? अगर वो बच गए तुम दोनों मेरे हाथों नहीं बचोगे, चलो निकलो। लेकिन बॉस हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। भर गया पेट, अब एक बात अपने नूडल भरे दिमाग में डाल दो। अगर मुन्ना को वो चार लोग हमसे पहले मिल गए और खास साहब के हाथों कैसेट लग गई तो हमारी लग गई। ए कल्टी भाई, वो एक और ऑर्डर दे दू। ए तरत अब्दुल भाई, ओ धरती के बोझ, कॉफी के मिल्कशेक बनने के बाद यहाँ लाएगा? अबे भाग ना भाग साल।
बिल्कुल सही बोला। और क्या? क्या बात है, पहले तुम लोग पटाया आए फिर टीवी पर आए। फिलहाल तो अपन रस्ते पे आ गया मैम। सुनो, हमको अर्जेंटली रहने के लिए घर, बंदूकें और कुछ गोलियां चाहिए। पहले रहने के लिए घर चाहिए या गन और बुलेट्स? दोनों दोनों। तुम लोग चार हो ना? तो पुलिस चार हिंदुस्तानियों को ढूंढ रही है। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ और बाकी के दोनों को SMS रहने की जगह दिखा देगी। ठीक है चलो। और इस बार प्राइस डबल होगा। डबल क्यों मैन? क्योंकि तुम लोगों के साथ घूमने का रिस्क भी तो डबल हो गया। ए, बस करो अभी। हाँ ठीक है चलो काम। जब कोई लकी नहीं होता है बंदा, तब फिर खोपड़ी में बसता है घंटा। ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, जास्ती जिसे दिया है उसको जाके लूट 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 लूट। चिल्ला काय को रहा है? लगता है इसका कान काम नहीं करता है मैन। इसका गन तो काम करेगा ना? बिल्कुल। ओए, नहीं बोलूंगा, बोलूंगा। ये कह रहा कि अपनी शर्ट ऊपर करो, उसको चेक करना। ओए, अबे। अब क्या बोल रहा है? पैंट उतारने को बोल रहा है? वो गन के साथ हम लोग अंदर नहीं जा सकते। आम खाओ। नहीं लो। खपन कप। ये चौंग है, इनका सबसे बड़ा सप्लायर। ए लिसन लिसन, ए मैन, कूल कूल कूल, व्हाट यू डूइंग? दे कम टू बाय, कूल। मैं मंगाए को के 200,000 बाट आ लाला है को तो 400,000 है, मुझे आओ जाना है कोई। ये बोला कि आप लोग इनको गन के 50,000 दे रहे हो और लाला इनको 40 दे रहा है आप लोगों के। अब कोई मुआ वांग कोई मुआ। ये बोला कि तुम लोग अपनी गन नीचे रखो। ओके ओके मैन, कूल। इतने मत मार, पूछा है मुंगा लोग। इसने कहा नीचे रखने को कहा था, बेड के नीचे डालने को नहीं। क्या बोलूं खराब है? क्या बोल रहा? भाई तुम भी अपनी गन नीचे रखो और कह रहा कि कोई चला के नहीं। ओके ओके ओके, बेवकूफी की तो मारे जाएंगे, होशियारी की तो बच जाएंगे। ओके ओके, पर्सन ध्यान हटा। ओके ओके, जल्दी बैग उठाला। अरे अरे, ये क्या कर दिया? क्यों मारा इसको? तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हें मालूम है कौन है ये? फंसेंगे फालतू में, बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। कुछ नहीं फंसेंगे, चलो चलो जल्दी। ए हेंकालो हेंकालो कैन हे हे हे। बस बहुत हो चुका, तुम लोग क्या कह रहे हो? पागल हो चुके हो पागल। पहले आसिफ इरफान की गाड़ी चुराई, फिर लाला के घर पे चोरी की, उस लड़की को मारा। ए, लड़की को मारा नहीं, हमें फंसा गया। वहाँ चौंको तो चिपकाया। तब कहते नहीं तो क्या करते? अपन उसको नहीं मारते तो वो अपन को मारता। अरे यार, तुम लोग यहाँ सुसाइड करने या तो करो, मुझे बीच में क्यों फंसा रहे हो? ए, अपन को भी ऐसा घूमने का कोई शौक नहीं, समझ गया ना? ए, ए, तुम लोगों अभी पुलिस आने तक रुकने का है क्या? चलो टैक्सी। माफ करो, जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से निकलने का आइडिया सोचो ना। अब तक तो एयरपोर्ट में भी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी भाई। अरे कोई तो बे आउट होगा। माफ करो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माफ का करो का भीख मांग रहे क्या? ये पकड़ो नोट और रास्ता निकालो। ये लास्ट टाइम है, अगली बार कुछ नहीं। अबे लास्ट टाइम भी यही बोला था, साले दोबारा सपने में भी नहीं देखना चाहेंगे तेरे को। ठीक है, हमारा एक दोस्त है जॉम चेन में रहता है, जो तुम लोगों को शिप के जरिए वहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन जॉम चेन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? गाड़ी आएगी ना हमारे पास। ए, कोई नई प्रॉब्लम मत शुरू कर,
आज से फिरफान वो गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। अरे सही बात तो बोल। राइट मैन, अगर गलती से उन दोनों ने हम लोग को देख लिया ना तो जॉनथिन पहुंचने से पहले हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी अपुन का टाइम इतना ग्रेट चल रहा है मैन। ऐसा करते हैं, भाड़े की गाड़ी से निकलते हैं और जहाज के वे से चलते हैं। जिंदगी भर गाड़ियां चुराई भाई मियां, गाड़ियां दे के पैसे लिया करते थे, पहली बार पैसे दे के गाड़ी ले रहे। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगे ना लगे, गोलियां ना लगे, साले ऐसे गोलियां चला रहे थे जैसे हम लोगों के पिताजी ने इनके पिताजी से कर्जा लिया हो और लौटाया नहीं। एक्सक्यूज मी, अंदर आए। आई वांट आपका कार ऑन रेंट। सैम सैम। यस प्लीज वेट। भाई मियां, इस कंट्री को इसीलिए थाईलैंड केवे, क्या क्या लैंड हो जावे हैं? इतनी बड़ी है कि हमको बहुत भाई है। हेलो हेलो चैंग, टू इंडियंस हैव कम टू रेंट अ कार। टू इंडियंस? कैन यू होल्ड देम फॉर अ व्हाइल? या या आई कैन होल्ड देम फॉर अ व्हाइल। या आई एम कमिंग। माना कि मैंने थोड़ी ज्यादती की। थोड़ी? एक महीने तक ये प्लास्टर मेरे हाथ से नहीं उतरेगा। अपने छोटे भाई के साथ मुझे इतने सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था, इसलिए मैं। मेरा कर्जा माफ कर रहे हो? ए पागल हो गया तू? उधारी उधारी होती है। मैंने सोचा यहां से निकलने के बाद थोड़ी देर आके कैफे में हाथ बटा, उधारी खत्म हो जाएगी। हाथ बटाने के लिए हाथ तो होना चाहिए। अरे जो बचा उसे काम चला लेना, यूज़लेस। भाईजान सलाम अलैकुम। सलाम। गोलू बाबा ड्यूटी थी, हिंदुस्तानियों का पता चल गया। हाँ भाई। ए आता हूँ रे गोलू, चल चल चल। ये बहुत देरी नहीं कर रहा ये है? देखो देखो देखो, हमको डर लग रहा है, बाहर चलो। आज आज एक बात बताइए, ये इतनी देर से लेके बैठे हैं, देख क्यों नहीं रहे? दाल में कुछ काला लग रहा है भाभी। दाल में काला हो या गरम मसाला, कहाँ छुप गया है साला? अभी ला लो। हाथ में मत आना साला। Oh, my God.
पंडित जी, गलती आपकी नहीं है। लाला की बात मान लेते तो अच्छा होता। हुन यू मैन कि बाटी वाला हमें यहाँ पर फंसाने के लिए भेज रहे हैं। फंसाने के लिए नहीं, मरने के लिए। दादा मर गए मरवाने वाले, सबसे पहले तो साला उसका भेजा उड़ाएंगे जिसने हम लोग को यहाँ भेजने के लिए अपना भेजा लगाया। पाटली वाला को बाद में मारेंगे, पहले उस वीपी सिंह और लाला को ठोकना चाहिए। मारेंगे, एक एक को मारेंगे और साला ऐसा मारेंगे कि साले सोचते रह जाएंगे कि कौन साला मार गया। मारेंगे उनकी हमसे। बोलो सेठ, हटाया मैं और किधर? नहीं बता सकता सेठ, यहाँ पटाया में बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हैं। बाद में फोन करता हूँ आपको। पंडित जी, पाटली वाला हरामी पटाया में। तुमको कैसे मालूम? पीछे यहाँ की पुलिस की सायरन सुनाई दे रही थी। मतलब ये वक्त तो वो मिस्टर सिंह के साथ होगा। सिंह साहब, मुझे लगता है उन लोगों को मुझ पर शक हो गया है। हर मोड़ पर मिलते हैं हमदर्द हजारों, लगता है शहर में अदाकार बहुत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आप ये पता लगाई कि वो लोग इस वक्त हैं कहां। कैसेट मेरे हाथ आ गया ना, तो आपको आपका भाई मिल जाएगा। तो सिंह को कैसेट चाहिए और हम लोगों को सिंह? विल्सन, तुम सारा सिंगवा को कॉल करो। तक छिपेगी मछली पानी के आड़ में। आखिर तुम्हें पता चली गया कि मुझसे मिलने में तुम्हारी भलाई है। देखो मैन, अपुन को लफड़े से कोई लेना देना नहीं। अपुन मुंबई में ऐश कर रहा था, यहाँ पर वांटेड लिस्ट में। अपुन को बस निकलना है। टेप्स कहाँ है? लेकिन बदले में क्या मिलेगा? बिना मर्डर वेपन के कोई केस नहीं बनता। मर्डर वेपन वो किधर है? मेरे पास है वो लैम्प जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। भूल गए? हाँ, याद आया ना। व्हेन यू गेट द टेप्स कॉल मी। बाय। पंडित जी फंसेगा? मेरे दुश्मन तो पैदा होते ही फंस जाते। टेप्स कहाँ? लैम्प किधर है? ओके। ठीक है मैन। ए, 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 बैठो, चेक तो कर लूं, चेक तो कर लूं, चेक द लैम्प। हाँ, न जाने बादलों के दरमिया कैसी साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश। हेलो मुश्ताक, क्या हाल है? तो क्या सोचा है खास साहब के लिए? एक पांव तो पहले कवर में लटका हुआ है, तो साथ दो यू कैन गो कवर में डाल देते। अरे प्रॉब्लम तो वो साला बुड्ढा है। आगे भी कुछ नहीं। Come on guys. Give me the bag. Come on. Move, move. Run, run. Come on. Thief, please catch him. Hey, stop it. चले पंडित जी। अब कहा कहे, हमसे सब चोरी देखी नहीं जाती। हम खुद करने में माहिर हैं, किसी और को नहीं देखते।
हेलो नाराज कैसे नाराज हेलो लाला। हाँ कैसा चाहिए तो पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे? 9 करोड़। ए दिमाग खराब हो गया तेरा? अगर खान ने ये टेप सुन लिया ना तो उसका दिमाग जरूर खराब हो जाएगा लाला। या तो तुम लोग बहुत बहादुर हो या बहुत ही बेवकूफ। बेवकूफी से फंस गए थे, बहादुरी से निकलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा इनकी दिलेरी को, मानना पड़ेगा। मालूम है ना कि लाला हमारा आदमी है। खान साहब ये टेप सुनने के बाद आप खुद फैसला कीजिए लाला किसका आदमी है। हेलो मुश्ताक। हाँ भाईजान। क्या हाल है? खैरियत है भाईजान। तो क्या सोचा है खास साहब के लिए? जैसा बोलो। गुड्डे का एक पांव तो पहले ही कवर में लटका हुआ है, साथ दो तो पूरी बॉडी कवर में डाल देते। भाई अगर कुछ प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो साला बुड्ढा है, एक बार उसे रास्ते से हटा दिया तो प्रॉब्लम अपने आप ही हट जाएगी। लेकिन भाई अबे डरता क्यों है? मेरी स्वान ली और लियाकत से बात होगी, वो हमारे साथ। एक बार खासाब रास्ते लग गया तो थाईलैंड का सारा धंधा हमारा। बता तो हमारे साथ है या खासाब के साथ? भाई मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। क्या चाहिए तुम लोगों को? खैरियत से अपने वतन पहुंच जाए और बाटली वाला से बदला, हमारा बॉस जिसने हमें फंसाया और वो अभी पटाया में है। हो जाएगा लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ऐसे ही कुछ और सबूत और हम भाइयों की दुआएं। कहाँ से मिली? कैसेट की दुकान से, पहले रुपए। सुन तो लो जी। जब ये लंगड़ाते हुए आया था तभी मैंने सोचा था ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। लेकिन बॉस कुछ भी बोला, गाना मस्त है। जॉनी बहुत अच्छा तुम इस गाने से। मेरी बॉस चले एक्चुअली मेरे को आपका हैंडसम जवानी के दिन याद आ गया। भाईजान मुझे नहीं लगता अपना गाड़ी चोरी हुआ है। चोरी नहीं हुई तो गए कहाँ? वो क्या ना, वो ट्रैफिक पुलिस वाला शायद उठा के ले गई है। ट्रैफिक पुलिस? और अपना इकबाल है ना, इकबाल ना उसका भी गाड़ी ऐसा लेके गया। भाड़ में गया इकबाल। जी भाईजान। मेरे बोले बिना अगर तूने दोबारा कुछ बोला ना भाईजान तो तुझे यही ठोक दूंगा, समझा? ओके भाईजान। भाईजान
एक बर्गर बोल दूं क्या? चुप। भूख। तेरे को बोला ना? भूख लग। मेरे बोले बिना मुंह मत खोलना दोबारा। भूख लगाना भाई। एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। ए, move man, get going, come on. मेरे बोले बिना अगर तूने दोबारा कुछ बोला ना तुझे यहीं ठोक दूंगा। समझा? Come on, move! इरफान, क्या लगता है गाड़ी मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता अब गाड़ी मिलेगी। गोलू? हाँ बोलू। कंग्रेचुलेशंस। कौन है आप लोग? हम लॉटरी वाले, हॉस्पिटल से आए। आपकी लॉटरी लगी है सर। लेकिन मैंने तो कोई लॉटरी नहीं खरीदी। सर, जो लॉटरी आपने जीती है वो खरीदी नहीं जाती। हम हॉस्पिटल में आए हर पेशेंट का नाम एक डब्बे में डालते हैं। इस महीने डब्बा आपके नाम का खुला है, लकी ड्रॉ सर। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। वो कार देख रहे हैं आप? वो आपकी है, आपने जीती है। सच्ची? झूठ बोलू तो मरा हुआ मुंह देखो तुम्हारे भाई का। कुछ नहीं, आपकी कार की की? गोलू बेकार से कार वाला हो गया। लाला तेरा मुंह काला। भाई कैसी है? भाई क्या है ये कार? अच्छा, हाँ। रुकने आती है? भाई मुझे किसी ने तोहफे में दी, मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका मैं क्या करूँ? भाई इसको बेच के कुछ तो पैसे आएंगे, मेरा कर्जा कुछ तो कम होगा। ठीक है। और सुन, वैसे चलने फिरने लगे हो? हाँ। कैसे काम पे आ जाना। ठीक है। हाँ? चल। क्यों, रास्ता भूल गए हो या हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। मतलब ये, मुझे पता कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे है। मेरे को तो कोई दे। तू कहाँ जा रहा है? भाईजान आपके साथ। तू यहीं पे रुक, जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता तू गाड़ी में बैठा रहे। अंदर। बाहर एक रेड कार खड़ी है, कोई बताएगा वो किसकी है? मेरी है। वो कार मेरी है। वही तो कहा मैंने बरकरदार, वो कार मेरी है। वो कार तुम्हें यहां से लेके ही जाऊंगा, लेकिन उसे मारे बिना नहीं जो उसे यहां तक लेके आया है। कार छोड़ और यहां से जिंदा बचकर जाना चाहता तो यहां से गलती मार। चल। पहले चुपचाप गाड़ी की चाबी दो। हे तेरी माँ की। चुप।
कितनी बार कहा है कि जब मैं पाकीज़ा देख रहा होता हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। ठीक है, भेज दो। जी। दान जी नमस्ते। मतलब साहब सलाम। गुड आफ्टरनून सर। वालेकुम सलाम। वाह 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 वाह, क्या बात है। मीना कुमारी जैसी हिरन आज तक नहीं आई। यू तो कैसेट देने आए थे हम लोग। और कुछ? जी बाटली वाला हो जाएगा। और हाँ, हिंदुस्तान जाकर मेरे लिए यहूदी और बेजू बाबरा की डीवीडी भेज देना। जाओ। थैंक यू सर। शुक्रिया। अल्लाह प्रणाम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्डर। क्या सेठ, पटाया पहुंचा और बताया भी नहीं। अरे भाई, बताने ही वाला था। अब मैं तेरे को बताता हूँ। टेप चाहिए तेरे को तो 2 करोड़ रुपए लेके 5:30 बजे तक पटाया पियर पर पहुंचा। क्या 2 करोड़? अरे इतने पैसे मैं कैसे? बैग में भर के लाना बे। दिखा दी ना अपनी। मेरा भाई फंस गया था। और हम लोग फंसेंगे नहीं। एक बार तू बोल देता सेठ, अपनी तेरे भाई को लाके देता। व्हाट मैन, बाहर जाना है बोल के अंदर भेज रहा था। मुझे तो गोली भी लग गई सेठ, अफसोस है मुझे। अफसोस तो मेरे को है सेठ कि मैं तेरे जैसे आदमी के लिए काम कर रहा था। कैसेट कहाँ है? पैसे दिखा, कैसेट भी दिख जाएंगे। ए, ये देख मैन, ऊपर नोट, नीचे प्लेन पेपर। साला फ्रॉड। फॉरगेट इट मैन, आज ये फ्रॉड सीधा गॉड के पास जाएगा, देखना। चलो। कौन हो तुम? मन्ना, जिन 4 हिंदुस्तानियों को तुमने यहां फंसाने के लिए भेजा है उनका हिसाब बराबर करने के लिए खान साहब ने मुझे यहां भेजा है। खान साहब ने? देखो देखो, कुछ हो सकता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज।
पार्टी वाला तो गया, सारा अपन का पैसा भी गया। हाँ हाँ, लेकिन विल्सन तो सेफ हुआ। वैसे कुछ कहे, सारे फसाद की जड़ तुम हो राजा। मैं कैसे? तुम कैसे? खुली हांडी पे बिल्ली का मुंह पकड़े गए तो एक्ट हूँ। ये तानिया का बैग निकाल के समुद्र में फेंकते क्यों नहीं? हाथ में लगाओ पंडित जी। अरे तेरे तो क्यों भैया, हाथ क्यों नहीं लगा? याद आ रही है आपको तानिया की? तानिया की याद आ रही है आपको? तू छोड़। नहीं छोड़ता। ये क्या है? पेंटिंग? पाटलीवाला का भाई यहाँ पर एक पेंटिंग की डील करने आया था। इंडिया के म्यूजियम से चोरी की गई करोड़ों रुपए की महात्मा बुद्ध की पेंटिंग और म्यूजियम से चुराई गई ओरिजिनल पेंटिंग यूरोप और अमेरिका के प्राइवेट कलेक्टर्स को करोड़ों में बेची जाती है। अबे जी, तो वो करोड़ों वाली पेंटिंग है। तानिया तो गई, लेकिन हमारे लिए करोड़ों की पेंटिंग छोड़ गई।